नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने वाले चीन को अब एक बड़ी बगावत का सामना करना पड़ सकता है। चीन का पड़ोसी फिलीपींस इस इलाके में बढ़ते चीनी साम्राज्य को चुनौती देने जा रहा है, क्योंकि नए साल में फिलीपींस को भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक खेप मिलने वाली है। साल 2022 में भारत और फिलीपींस ने इसे लेकर एक डील साइन की थी। भारतीय मिसाइल सिस्टम से फिलीपींस की नौसेना की ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यूरेशियन टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारतीय ब्रह्मपुत्र और रूसी मॉस्कोवा नदियों के नाम पर बनी ब्रह्मोस मिसाइलें जल्द ही दक्षिण पूर्व एशिया देश में पहुंचा दी जाएंगी। ये मिसाइलें दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाले देश को सुरक्षित करने में मदद करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र तट पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम तैनात होने से न सिर्फ खतरे का जवाब देने के लिए फिलीपींस की सेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ये पश्चिम फिलीपींस सागर में इसके विरोधियों को क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के मजबूत इरादे के संकेत भी मिलेंगे। डिलीवरी के बाद फिलीपींस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल क्षमता वाले दक्षिण पूर्व एशिया देशों के एक छोटे क्लब में शामिल हो जाएगा। इंडोनेशिया ने साल 2011 से जहाज आधारित रूसी मूल की यांगखोट सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का संचालन किया है। इसके अलावा 2015 में वियतनाम की सेना ने रूस से दो भूमि आधारित बेस्टियन पी मोबाइल तटीय रक्षा मिसाइल सिस्टम भी खरीदे थे। 17 फरवरी 2023 को फिलीपींस की 21 मरीन के एक बैच ने नई खरीदी गई ब्रह्मोस एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संचालन और रखरखाव पर केंद्रित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा किया। 31 दिसंबर 2021 को फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि उसने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को $374 मिलियन की कीमत पर तट आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करते हुए नोटिस भी जारी किया है। फिलीपींस को अब इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी ऐसे समय पर हो रही है जब दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच तनाव के चलते आक्रामक सैन्य टकराव हो रहा है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की तैनाती से इस द्वीपीय देश के खिलाफ चीन के गुस्से में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर चीन का दावा वियतनाम, मलेशिया, बुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जलीय क्षेत्र में घुसपैठ माना जा रहा है। चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच फिलीपींस के अलावा थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें टीवी 9 भारतवर्ष पर।